खरगोन जिले के सनावत के निजी अस्पताल में महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई है। महिला की मौत से आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार सनावत के निजी साई हॉस्पिटल में रूपखेड़ा निवासी प्रमिला को परिजनों ने ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया था। इस दौरान रूपखेड़ा ग्राम के आक्रोशित परिजन ग्रामीण और अखिल भारतीय बलाई महासंघ जिलाध्यक्ष सुरेंद्र पावर ने अस्पताल प्रबंधन पर कार्यवाही की मांग को लेकर अस्पताल के बाहर शव रखकर करीब 3 घंटे तक कर हंगामा किया। सूचना मिलते ही तहसीलदार अंतर सिंह कनेश, एसडीओपी अर्चना रावत, टीआई राजेंद्र बर्मन सहित मौके पर प्रशासनिक अमला और पुलिस बल पहुंच गया, जहां उन्होंने जांच के बाद सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन देकर परिजनों को शांत करवाया है। साई हॉस्पिटल करके सनावत में है, उसमें प्रमिला पति इंदर पेशेंट थी, उसका ऑपरेशन हुआ था, बच्चेदानी में गठन का इलाज चल रहा था, उसको बड़वा रेफर किया जाना हॉस्पिटल प्रबंधन ने बताया। तो उसकी डेथ होने के बाद परिजन उस हॉस्पिटल के सामने शव को रख करके उसको सील करने का मामला, मतलब उनकी मांग थी, तो हमने मुख्य द्वार को सील कर दिया। आगे जो पीएम हो रहा है, जो पीएम में आता है, उसके आधार पे हॉस्पिटल पे कार्रवाई हुई। भाई इंदर माटके की मिसेज को यहाँ भर्ती कराया गया था ऑपरेशन के लिए। क्या नाम था महिला का? महिला का नाम परमिला भाई इंदर माटके। जी हाँ, किसका ऑपरेशन था? महिला का ऑपरेशन था परमिला भाई का। अच्छा, उसके दौरान ये ऑपरेशन, पैसे जमा करने के बाद ये ऑपरेशन करा, रात में इसको ऑपरेशन करा गया, सुबह उसकी रात में डेथ हो गई है, और सुबह से हमको बोल दिया गया कि इसकी तबीयत ज्यादा है तो बड़वा सा हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। बड़वा हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से तत्काल बिना डिस्चार्ज किए डेड बॉडी को और उसके घर रुखेड़ा पहुँचा दी गई। ये रुखेड़ा कौन लेकर चला गया था? ये अस्पताल की एम्बुलेंस और अस्पताल के कर्मचारी लोग। और आप लोग कहाँ थे? हम सब घर थे, और उसका जो महिला शांत थी, उसका मिसेज यही था, ये आईसीयू के अंदर था वो, उसका पति, उसको मालूम भी नहीं मेरी मिसेज को वहाँ लेकर और घर लाश पहुँचा दी। इंदर को मालूम भी नहीं, जबकि वो यही था, हॉस्पिटल में मौजूद था। इंदर को क्या तकलीफ हो गई थी? वो मिसेज को लाया था, इसलिए था, उसको कोई तकलीफ नहीं थी। अच्छा, तो वो यही पर यही पे था, और ये लोग सीधे अस्पताल सीधे बड़वा ले गए, बड़वा से सीधा रुखेड़ा 5 मिनट के अंदर रुखेड़ा ले गए, और घर को लाश पटक आए, वो तो यही था सामने वाला, और ना तो डिस्चार्ज के पेपर साइन है, ना फाइल थी, ना कोई करी। अच्छा, जब यहाँ पर बॉडी को लेकर आए, उसके बाद में क्या घटनाक्रम हुआ? बॉडी घर पहुँचे, फिर लेके आए, जिनने कोई फाइल भी नहीं थी, कोई जवाब देने वाला कोई नहीं हॉस्पिटल में, ना गाड़ी पहुँचाई। कितने घंटे तक हंगामा हुआ यहाँ पर जब पुलिस आई? तीन से चार घंटे हो गए। यहाँ पर अस्पताल का एक भी अधिकारी, एक भी कोई नहीं आया यहाँ, सब बाकी साले ताले लगा दिए। आपका क्या मांग है? अब इसकी जाँच होना चाहिए, और इनको हॉस्पिटल सील हो, और यहाँ हजारों लोग मर चुके हैं, ये हॉस्पिटल सील हो, और कभी ये खुले नहीं। पूरा बताएं, शुरू हुआ था उनका, कौन सी अस्पताल में? साई अस्पताल में। जी हाँ, बताएं। यहाँ पे ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे इलाज किया, और उसके बाद में इन्होंने यहाँ से बड़वा रेफर करा साई अस्पताल। ऑपरेशन किस चीज का था? ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन था इनका, बच्चेदानी का। अच्छा अच्छा, उसका ऑपरेशन था। कल कितने बजे हुआ था ऑपरेशन? कल यही 5 बजे के। अच्छा, ऑपरेशन हो गया था सक्सेस? हाँ, इन्होंने पहले बोला कि 2 बजे ऑपरेशन होगा, 10 बजे होगा, 2 बजे होगा, 4 बजे होगा, ऐसा करके इन्होंने 5 बजे, 4:30, 5 बजे ऑपरेशन किया। कौन से डॉक्टर ने किया था? डॉक्टर कोई नेहा करके, मनीषा गुप्ता। हाँ, मनीषा गुप्ता। जी हाँ, मनीषा गुप्ता, उन्होंने ऑपरेशन किया इनको, और इसके बाद में इन्होंने आज सुबह उल्टी हुई इनको, और इन्होंने डायरेक्ट इनको बड़वा रेफर किया। अगर इन्होंने बड़वा रेफर, कितने बजे की घटना? सवेरे की है। सवेरे यही कम ये मान के चलो 9:30 बजे की। फिर 9:30 बजे बाद इन्होंने वहाँ रेफर किया, वहाँ 9:30 बजे गाड़ी पहुँच गई थी अस्पताल में, वहाँ पे इन्होंने इलाज करवाया, बोले इलाज चल रहा है, जारी है सब। उसके बाद में ये हुआ कि मैंने पूछा कि क्या हुआ, तबीयत वबीयत कैसी है, बोले ठीक है, बोटल वोटल चल रहा है, हार्ट बीट भी चल रहा है उनका। फिर उन्होंने बोला कि 1 मिनट बाद मैं बाहर निकला, और मेरे पास फ़ोन आया, मैं बात करने के लिए निकला, और इन्होंने मेरे को बोला कि गाड़ी निकाली और एम्बुलेंस लगा के इन्होंने डायरेक्ट मेरी दीदी को एम्बुलेंस में डाल के गाड़ी बाहर निकाल दी। मैंने वहाँ पे गाड़ी खड़ी करवाई, मैंने कहा भैया कहाँ ले जा रहे हो? बोले भैया कहाँ ले जाना है इनको, रुपखेड़ा। मैंने बोला कि रुपखेड़ा क्यों ले जा रहे हो, क्या हुआ मेरे को बताओ तो सही। बोले इनकी डेट हो गई। बोले हाँ, इनकी डेट हो गई। मैंने बोला अभी तो आप मना कर गए थे डेट होने का, फिर अभी कैसे डेट हो गई 1 मिनट में? ये करके इन्होंने गाड़ी निकाली, और मैंने बोला कि रुपखेड़ा आप नीलकमल टाकीज के वहाँ पे गाड़ी रोड पे खड़ी रखना, आप घर मत लेके जाना, मेरी दीदी मेहमान आएंगे, सब आएंगे, हम लोग वहाँ वेट करेंगे, उसके बाद में हम दीदी को लेके जाएंगे। इन्होंने फिर भी गाड़ी डायरेक्ट लेके गए घर, घर दीदी को छोड़ा और वापस आ गए। उसके बाद में क्या हुआ, हमने टाइमिंग करी, सब करा, उसके बाद में हमने गाड़ी एम्बुलेंस बुलाई, ये ना तो एम्बुलेंस लेके गए, ना कुछ लेके गए, हमारी पर्सनल गाड़ी से दीदी को हॉस्पिटल में लेके आए। क्या चाहते हैं आप? कहीं नहीं, हम तो हम इंसाफ चाहते हैं ना, कि हमारी दीदी की घटना कैसे हुई, क्यों हुई,
क्या कारण है? अस्पताल के खिलाफ क्या चाहते हैं? अस्पताल को तो सील करना चाहते हैं ना डॉक्टर, वो तो सील हो गया, करना चाहते हैं डॉक्टर के खिलाफ। हाँ, डॉक्टर को अंदर करना चाहते हैं। ठीक, आपकी गिरफ्तारी चाहते हैं। दीदी का पूरा नाम क्या था? उनका नाम परमिला पाटके। पति का नाम? इंदर पाटके। कितने बच्चे थे उनके? दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम अभिषेक। लड़की का नाम? वैष्णवी। आप कौन है उनके? मैं भाई उनका। क्या नाम है आपका? नीलेश। कहाँ रहते हैं आप?